जेके प्रेस मीडिया में आप सबका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेजबान शाहिद खान। नाजरीन किराम, इस वक्त हम मौजूद है जिले गांधरबल के तोलामला के इलाके में और यहां पे आज 2:30 बजे से ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड फिजिक्स में यहां पे कोर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हाल दिखाई दे रहे थे और आज 2:30 बजे से वो गेटों पे निकले थे और इनका मानना यह है कि अगर हमें ऑनलाइन क्लासेस हुए तो हमारा एग्जाम भी जो है ऑनलाइन होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा परेशान है और इंतजामिया से ये मांग कर रहे थे, जिस तरह रजिस्ट्रार होते हैं या VC जो होता है इसका जो अहदेदार होता है उनसे अपील करते थे कि हमें जो है मास प्रमोशन दी जाए, जिस तरह बाकी जो यूनिवर्सिटीज है जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी, जिस तरह उनमें जो ऐलान किए गए बाजबता सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी वही ऐलान हो जाए। मजीद यहाँ के स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया तो क्यों बुलाया। वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारी इश्यूज कुछ इस तरह है जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। 9 अगस्त को VC सर ने जो डीन्स है पूरे डिपार्टमेंट्स की और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ एक मीटिंग की थी और उसमें ये कहा गया था और उसमें ये फाइनलाइज भी हो गया था क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे और उनको मीटिंग के अंदर भी बुलाया गया था और उनको अंदर एश्योर किया गया था, एक डिसीजन लिया गया था कि जो इंटरमीडिएट सारे सेमेस्टर्स है, अगर किसी सेमेस्टर के 2 सेमेस्टर पेंडिंग है प्रीवियस सेमेस्टर और करंट वाला, तो उनको एक सेमेस्टर में प्रमोशन मिल जाएगी और जिनका एक ही सेमेस्टर अब पेंडिंग है तो उनको जो प्रेजेंट वाला सेम है यही पेंडिंग है तो उनको इसी में प्रमोशन मिल जाएगी, ये वहां पे डिसीजन लिया गया था। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज हमें डीन सर ने बुलाया था और उन्हें हमें आज ये कहा गया है कि हमारा जो इंटरमीडिएट सेम है, हमारा 6th सेम है प्रेजेंटली, हमें प्रमोशन नहीं मिल सकती। ये हमारा सबसे पहला इशू है और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए, हम ये चाहते हैं कि अगर पूरी यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन ले रही है दैट शुड बी फेयर टू एवरीवन। हम कोई एक ही सेमेस्टर क्यों रहे कि अगर बाकी सेमेस्टर्स को प्रमोशन मिल रही तो हमें भी मिले, अगर उनका एग्जाम लिया जा रहा है तो हमें भी, एमएफ भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी एग्जाम ले। और दूसरी चीज ये कही जा रही है हमसे कि हम इंटरमीडिएट सेमेस्टर नहीं है और हमारी डिग्री इंटीग्रेटेड BSc MSc और हमारे 10 सेमेस्टर्स टोटल है। अब हमें यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि आपका सेमेस्टर इंटरमीडिएट ये टर्मिनल सेमेस्टर है और जैसा कि ऐसा कहीं पे भी नहीं है क्योंकि पिछले साल भी प्रमोशन जब हुई थी तब हमारे 6th सेमेस्टर को प्रमोशन मिल गई थी और उन्होंने बाकी जगहों पे एडमिशन किया था और हमारी प्रॉब्लम यही है कि अब हमें ये कह रहे हैं कि आपको प्रमोशन नहीं मिल सकती, यही फाइनल डिसीजन। हम चाहते हैं कि फिर पूरे सेमेस्टर जो पूरे डिपार्टमेंट से सारे डिपार्टमेंट उनका एग्जाम हो जाए, फेयर हो जाए सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी होगा जो भी डिसीजन है हमारे लिए सेम डिसीजन हो जो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए हो रहा है। हम क्यों उनका तो एग्जाम नहीं लिया गया, उनको प्रमोट किया गया, अब ये बोल रहे हैं कि आप टर्मिनल सेमेस्टर हैं, तो वो भी तो टर्मिनल सेमेस्टर थे तो हम कैसे, अब ये 5 ईयर कोर्स है तो हम टर्मिनल सेमेस्टर हैं ही नहीं, अगर हम टर्मिनल सेमेस्टर हैं तो उनको भी वापस एग्जाम करें और अगर ये चाहेंगे कि सिर्फ हम ही एग्जाम दें तो बेटर है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सारे सेमेस्टर का ऑफलाइन एग्जाम। सर हम प्रोटेस्ट में कंटिन्यूसली हम 2 बजे से बैठे हैं, नोबडी केयर, तो हम आगे भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करें, पिछले साल तो सबने प्रमोशन दी, इस बार तो किसी ने ऑनलाइन एग्जाम की, किसी ने असाइनमेंट बेसिस पे, सिर्फ हम ही हैं जो हम पिछले 3 सेमेस्टर से ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं। हम तो रेडी थे, हम इस बार भी रेडी थे, लेकिन यहाँ से गाइडलाइंस आई हैं प्रमोशन की, तो आप पहले तो नहीं, आप 10 दिन लेट हमें बोल रहे हैं कि आप एग्जाम देना है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फिर से प्रिपेयर करेंगे फिर एग्जाम के लिए और एग्जाम देंगे, हम ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और नाज़रीन किराम, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब है उनको बुलाया और वो यहाँ पे जो है आने वाले है और स्टूडेंट्स को अंदर उन्होंने बुलाया है और उन्हीं से अब स्टूडेंट जब बाहर निकलेंगे उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है और क्या उन्होंने स्टूडेंट से क्या बातचीत की, वो जब स्टूडेंट्स बाहर आएंगे उन्हीं से पता चलेगा। आने से जो हम यहाँ आए, हमारे आने से यहाँ स्टूडेंट्स को कोई फायदा मिला या नहीं मिला वो जानने की कोशिश करेंगे, वो तभी पता चलेगा जब यहाँ स्टूडेंट्स बाहर आएंगे और वही उन्हीं से बात करेंगे, देखेंगे उन्होंने अंदर क्या फैसला लिया है। शाम के जो है 6 बजने को है और स्टूडेंट्स अभी बाहर आ रहे हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अंदर जो फैसला हुआ उनको क्या कहा गया और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सो वी मेट विद द रजिस्ट्रार आफ्टर वी वर प्रोटेस्टिंग फॉर मोर देन 2-3 आवर्स एंड ही शोल्ड कोऑपरेशन एंड ही टोल्ड अस दैट व्हाटएवर हैज बीन डन, व्हाटएवर हैज बीन डिसाइडेड फॉर द होल यूनिवर्सिटी दैट वुड बी डन विद आवर डिपार्टमेंट आवर सेमेस्टर एज वेल एंड there will be no conditions prior to this they were saying that there would be conditions now they said without any conditions we would be promoted are you satisfied with this obviously we are satisfied okay thank you आखिरकार जो है स्टूडेंट्स काफी खुश दिखाई दिए, कहीं ना कहीं उनको जो फैसला अंदर बोला गया कहीं ना कहीं वो उनके हक में था और इसलिए वो स्टूडेंट जो है काफी खुश दिखाई दिए। उनका मानना यह है कि जिस तरह बाकी
यूनिवर्सिटीज में जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं उनके साथ जो फैसला होगा कहीं ना कहीं वो इन बच्चों के साथ भी होगा जो इस टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए जेके प्रेस मीडिया, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।